वेलकम बैक टू माई चैनल सिंपल वेज विद स्नेहा। आज मैं लेके क्या आई हूँ, आज एक डी आई वाइज लेके आई हूँ। जी हाँ, डी आई वाइज, वो भी बेस्ट प्रोडक्ट के साथ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट या रिसाइकल। हमारे घर में इस तरह के खाली डिब्बे बहुत सारे पड़े होंगे, क्या किया उन सबको, या तो स्टोर रूम में रख दिया होगा, या बाहर फेंक दिया होगा, या कबाड़ वाले को बेच दिया होगा। अगर इन्हीं खाली डिब्बों को अगर फिर से यूज़ किया जाए, रीयूज़ किया जाए, रिसाइकल किया जाए, तो आई थिंक बेटर नहीं होगा? बेटर तो ज़रूर होगा, इससे पॉल्यूशन भी कमेगा और घर भी सजेगा। तो आज मैं इसी वेस्ट मटेरियल से एक खूबसूरत सा चीज़ बनाने की कोशिश करूँगी और वही कोशिश मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। देखते हैं इससे मैं क्या बनाती हूँ। मेरे पास जो भी पड़ा है उन सबको मैं लेके आती हूँ और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मैंने खाली बॉटल ली है, ये इस तरह के खाली बॉटल घर में बहुत सारे होंगे। और यहाँ पे मैंने मैग्नेट्स लिए हैं, ये अमेज़न में बहुत ईजीली अवेलेबल है और लोकल मार्केट में भी आपको शायद मिल जाए। तो पहले मैं इस ढक्कन को हटा देती हूँ और इसके जो लेवलिंग की हुई है इसे हटा दूंगी। ये अब साफ हो चुका है। अब यहाँ पे एक मार्कर से मैं एक मार्क बना लूंगी कटिंग के लिए। अब एक कटर की सहायता से इसे मैं काट लूंगी। सावधानी से काटिएगा, नहीं तो हाथ कट सकता है। इसे सावधानी से मैंने एक शेप में काट लिया है। मार्केट में जो व्हाइट पुट्टी मिलता है या व्हाइट सीमेंट मिलता है, मैं उसका यूज़ करूँगी यहाँ पे। मैं यहाँ अंदाजे से कुछ थोड़ा सा वॉल पुट्टी लूँगी। यहाँ पे मैं पानी मिला के एक डो बना लूंगी, एक सॉफ्ट डो। बिल्कुल आटे जैसा एक डो बनाना है, जैसे रोटी का आटा बनाते हैं ना, उसी तरह का। यहाँ डो बन के रेडी है, मैं इसे एक जगह रख दूंगी। इस डो को मैं दो हिस्सों में बांट लूंगी ताकि मैं अच्छे से कवर कर सकूं डिब्बे को। इस तरह से दो हिस्सों में बांट लिया है मैंने, और पहले हिस्से को अच्छे से बेल लूंगी सूखे सीमेंट के साथ। Thank you.
भी देखिए इस तरह से। जो डिब्बा हमने काट के रखा हुआ था उसको व्हाइट ग्लू लगा दूंगी, उसे पूरे व्हाइट ग्लू स्प्रेड कर दूंगी उसके ऊपर, ताकि ये जो डो है वो उससे उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। देखिए मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और ये डो अच्छे से यहाँ पे मैं चिपका दूंगी। ये क्रैक हो जाएगा तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, बाद में इसे पानी के साथ अच्छे से मैं इसे लेवलिंग कर लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से दूसरे साइड भी मैं टो को इसी तरह से चिपका दूंगी, जिस तरह से सूप सामने की तरफ किया है। दोनों साइड ही मैंने डो को लगा दिया है और इसे अच्छी तरह से पानी से मैं स्मूथ कर लूँगी, क्योंकि सूखने के बाद स्मूथ आप नहीं कर पाओगे, कि जब तक ये कच्चा है तब तक ही आप स्मूथ कर सकते हैं, तो इसे जितना हो सके स्मूथ कर लेना पड़ेगा इस टाइम। ये अच्छे से स्मूथ हो गया है, अब इसे पूरा एक दिन मैं सूखने के लिए रख दूंगी। ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद मैं बाकी का काम करूंगी। उससे पहले यहाँ पे मैं मैग्नेट्स को चिपका लूंगी व्हाइट ग्लू की मदद से। व्हाइट ग्लू को अच्छे से चिपका दूंगी और थोड़ा सा दबा दबा के चिपका देना है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये अच्छे से सूख गया है, ये देखिए बहुत अच्छे से सूख गया है। यहाँ पे मैंने 3 मैग्नेट्स लगाए हैं, लेकिन मैं एक और 3 मैग्नेट्स यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत भारी हो गया है और इसलिए मैं यहाँ पे 3 मैग्नेट्स और लगाऊंगी, ताकि ये सपोर्ट ले सके। तो मैंने 3 बगल में ही 3 मैग्नेट्स लगाऊंगी। वही सेम प्रोसेस व्हाइट ग्लू की मदद से मैं यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि ये सूख गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टिक होने में, लेकिन स्टिक हो जाएगा।
व्हाइट मास्किंग टेप की मदद से मैं यहाँ पे इसे और ज़्यादा सिक्योर कर दूंगी ताकि मैग्नेट्स निकल ना जाए। दो तीन लेयर मैं व्हाइट मास्किंग टेप का लगाऊंगी। अब है इसे पेंट करने की बारी। यहाँ पे मैं फेवरिक कलर का यूज़ करी हूँ क्योंकि मेरे पास फेवरिक कलर ही रखा हुआ था। आप चाहे तो पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे पास यहाँ फेवरिक कलर था तो मैंने फेवरिक कलर यूज़ किया है। एक रैंडम सा पैटर्न मैं बनाऊंगी, कोई भी इजी पैटर्न। यहाँ पे मैं एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, आप कोई भी सिंपल सा पैटर्न या कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइन आपके ऊपर है, आपकी पसंद के ऊपर। लीजिए, रेडी है फ्रिज मैग्नेटिक वास। एक वेस्ट प्रोडक्ट से ये बना है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।